It's all about humanity. ऊपर वाली टॉप बिल्डिंग्स में होगा, इधर तो नहीं होगा, नीचे वाली बिल्डिंग में। It was at this moment that he knew he fucked up. तो भाई लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई आज मेरे मैच में GameX Pro आ गया। अब आप बताना कि वो रियल था या फेक। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई वो तो फेक था, पर भाई आगे जो हुआ ना उससे मैं भी हैरान रह गया। तो भाई लोग एक के हाथ में लगती, मैंने इन बंदों पे रश कर दिया। तो अब सामने एक बंदा था और अब उस पे रश करने चलते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले इस बॉट को मारते हैं हम। और अब देखो सामने वो टॉमी वाला बंदा है। ये टॉमी वाला नीड है तभी। और भाई इसके एकेएम के एक ही हेड मार दिया और उसका काम कर दिया। अभी मेरे को यहाँ से आवाज आती है, पर ये भी एक बॉट होता है। जब हम गाड़ी लेके निकाल ही रहे होते तब मेरे को यहाँ से बॉट दिखाई देता है और इजीली इसको मार दिया। और भाई हमें अभी तक नहीं पता था कि रोजॉक में अभी एक डुओ और बचा है। और तभी हम इस वाले घर पे आते हैं और इधर से फुटस्टेप आते हैं, एक नेड करता हूँ जिससे कुछ नहीं होता और अब हमें रेस्ट करना पड़ेगा। और भाई हमें नहीं पता था कि इस घर में जो बंदा है वो GameX Pro है। भाई एक बार को तो मेरे को लगा कि ये रियल है क्योंकि इसके पास बैरल भी थी, पर यार वो रियल नहीं था। और अब हम सबसे पहले बग्गी उठाते हैं और सीधे रश करते हैं और अब वो वाला सीन आने वाला है जो मैंने आपको वीडियो की सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया था। ऊपर वाली टॉप बिल्डिंग में होगा, इधर तो नहीं होगा, नीचे वाली बिल्डिंग। और भाई इन बंदों का 1v2 मार जाए इजीली, पर अभी और बंदे बचे हैं इस बिल्डिंग में। तो भाई उन दो बंदों का भी काम हो जाता है यहाँ पे, एक को मैं भरता हूँ एकेएम से और दूसरे को मेरा टीममेट मार देता है। अरे वो नीचे से नीचे आ गया उधर। और भाई तभी एक बॉट की साउंड होती है और मैं भागता हूँ सबसे पहले बिल्डिंग से नीचे और इस बॉट को मार देता हूँ। तभी भाई साहब सामने वाली बिल्डिंग से एकेएम से फायर आता है, इसका मतलब वहां पे और बंदे उधर ही बैठे कैंप करके। पर भाई वो बंदे इतने ज्यादा डरपोक थे ना, तो वो हम पे रश कर रहे थे ना हमें करने दे रहे थे, बिल्कुल पोजीशन होल्ड करके बैठे थे। तो हमने क्या करा यार, हम सबसे पहले बग्गी उठाई और हम यहाँ से रफू चक्कर हो लिए क्योंकि वो कर रहे थे कैंपिंग। फिर भाई वो बंदे जो होते हैं वो चले जाते हैं स्कूल की साइड और अब हम उन पर रश करने जा रहे हैं बग्गी से। यार ये डास के बेकार भगती। छत पे हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके ग्रेनेड कर देता हूँ। उस ग्रेनेड से कुछ होता तो नहीं, पर उनके कान जरूर सुन हो जाते हैं जिससे कि हम जो कि बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। और अब चलिए इन पे रश करते हैं। मैं ऊपर ही हूँ, मैं ये एक नॉक हो रहा था। और कब
और इसी तरह तुम्हारा भाई ने इनका भी वन वीडियो कर दिया, इस चीज़ के लिए लाइक कर देना यार वीडियो पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे आते हो मेरे टीममेट की नशेड़ी ड्राइविंग देखो बस तुम। वो तो अच्छा मैंने दोनों बारी प्री फायर दिया, पहली बारी में तो बंदा नहीं आया पर दूसरी बारी में बंदा आ गया, नहीं तो भाई हमारी क्रेड बंदी तय थी। और भाई अब आपको मिलाता हूँ अल्ट्रा कैंपर मोएक्स प्रो और सब भाई। इधर तो नहीं, वो ओपन में सांप था, ओपन में ये आया भाई ये ग्रेनेड। और भाई कोई फुटस्टेप नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब देखो मेरा टीममेट पता नहीं कहाँ से नॉक होता है और वो बंदा आता कहाँ से कुछ अता पता ही नहीं चलता। लगता है कि वो जो बंदा था वो इंडिया का हैशटैग नंबर वन ग्रेनेडर था, तभी वो हमको ग्रेनेड से मारने की बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था। तो मेरी टीममेट का ये शायद से पांचवा नॉक था इसलिए वो फिनिश ही हो गया और पता ही नहीं चला कुछ। और अब लास्ट ही बंदा बचा है और मैंने सोचा उसको मारेंगे M24 से। और देखो बस वो रहा सामने भाई, ये दिया इसको बॉडी। और भाई वो बंदा भी बड़ी बढ़िया स्कारल मार रहा था, मतलब मजा आता उससे फाइट लेके। और जोन में मेरे को जाना था तो मैं सोचा खत्म ही कर देता हूँ और इन भाई को दे दिया गलती से हेडशॉट और मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो भाई सबसे पहले तो आप कमेंट में बताओ कि आज का वाला गेम प्ले आपको कैसा लगा और इसमें तुम्हारे भाई ने 16 किल मारा और 16 किल मेरे हिसाब से बहुत होता है। मेरी टीम में तो हमने 2 में 19 किल मार दिए।